कैसे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे न्यू अपडेट के बारे में। हमारी चैनल जो है वो अब बन चुकी है 1184 सब्सक्राइबर के पास। और आज क्या देखना पसंद करेंगे? वैसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप किस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में, तो मैंने कह दिया है कि मैं जो है वो MI का स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ। और आज मैं कुछ ये बताने वाला हूँ कि प्ले स्टोर में क्रिकेट की गेम के दो गेम्स है क्रिकेट की, एक है वर्ल्ड क्रिकेट बैटल और एक है WCC2। तो इन दोनों का अपडेट आया है। मेरे ख्याल से रियल क्रिकेट 18 का भी अपडेट आया होगा। पहले बात करते थे वर्ल्ड क्रिकेट बैटल की, WCB की, तो उसमें यह अपडेट आया है कि उन्होंने ही शायद पहल की है इस अपडेट की कि फर्स्ट एवर मोबाइल क्रिकेट गेम विथ रेन इंटरप्रेशन, मतलब पहली ऐसी गेम जिसमें बारिश गिर जाए कभी भी। अगर आप सेलेक्ट करते हैं वेदर का मोड बारिश का, या फिर मतलब बादल छाए ऐसा मोड सिलेक्ट करते हैं, तीन मोड आते हैं शायद मेरे ख्याल से, एक डे नाइट आता है, एक सनलाइट मतलब दिन साफ़ होता है, एक थोड़े बादल थोड़े सन ऐसा होता है, और फिर एक बादल होते हैं। अगर आप बादल का मोड सिलेक्ट करोगे तो बारिश गिरेगी। तो वो और एक और जो अपडेट है वो डकवर्थ लुइस का अपडेट है। तो हो सकता है आपको पता चल जाए कि डकवर्थ लुइस कैसे गिनती करते हैं, क्योंकि जब आप गेम खेलोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि डकवर्थ लुइस में किस तरीके से इन्होंने वो अप्लाई किया, किस तरीके से रन्स। और ये जो है वो कुछ अल्ट्रा एज का अपडेट है, लेकिन खास बात ये है कि अगर फर्स्ट ये है तो वर्ल्ड WCC2 ने कुछ और करने की कोशिश की है, उसमें कुछ और अपडेट डाले हैं, तो वो भी हम आपको बता दें। वैसे ये मेरे में इंस्टॉल है पर अपडेट मैंने अभी तक किया नहीं है। तो एक तो बारिश के कारण मैच रुकना वो तो एक डाला ही है, मतलब ये सभी क्रिकेट की गेम जो है वो फिलहाल रेस पर है कि क्योंकि भारत में क्रिकेट के जो है वो फैंस बहुत ज़्यादा है और उसमें गेम्स खेलना भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक और अपडेट निकल कर ये आया है कि WCC2 जो है वो अपने लिए एक तो बारिश, वो भी बारिश का अपडेट लेकर आया, और ये न्यू कमेंट्री मतलब कमेंट्री भी बदली है, और W32 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स मतलब स्टेडियम्स में बढ़ोतरी की है। और ये एक बढ़िया अपडेट है, अगर आप फोटो में देख रहे हो तो जो हॉटस्पॉट जो है वो एक बढ़िया ऊपर कर आ रहा है कि अल्ट्रा एज की जगह हॉटस्पॉट इन्होंने यूज़ किया है। हॉटस्पॉट ज़्यादातर मैचेस में अगर आप देखें तो इंडिया की मैचेस या फिर सिस्टम अगर होगी स्टेडियम के पास तो वो हॉटस्पॉट भी यूज़ करेंगी। हॉटस्पॉट है, कैमरा एंगल अलग अलग है, तो इन्होंने कुछ बढ़ोतरी की कमेंट्री में, कुछ स्टेडियम्स नए लाए हैं, कुछ हॉटस्पॉट मतलब तकनीक अल्ट्रा एच की नहीं ली है, कुछ ये कुछ ऑफर्स है। आप अगर रजिस्टर करते हैं जो एरेना इंडिया लार्जेस्ट गेमिंग चैम्पियनशिप में तो शायद आप जीत सकते हैं। अगर लीडर बोर्ड में रहे तो आप Xbox One एवरी वीक जीत सकते हैं। तो हो सकता है कि आपकी गेम जो आप खेल रहे हो वो लीडरशिप मतलब आप पहले नंबर पर हो जाओ और आप जीत जाओ, तो आपको एक PS4 जो है वो मतलब Xbox जाएगा, PS4 सोनी नहीं मिलेगा, Xbox मिलेगा विंडोज़। तो 125+ एनिमेशंस एंड न्यू बॉलिंग एनिमेशन एनहेंस्ड एनिमेशंस, तो वो सब एनिमेशंस तो बढ़ाए है, और आइलैंड और अफगानिस्तान को टेस्ट मैच में इनलेट किया है। तो वैसी ही चीज़ें हैं, और साथ में इस तरीके का कुछ फीचर्स डाला है कि आप तुरंत फेस पर क्लिक करेंगे तो फेस हाइट
वो सब चेंज कर पाएंगे, टैटू को चेंज कर पाएंगे, बालों को चेंज कर पाएंगे, तो वो सब पहली अपडेट में तो सभी के फेस एक जैसे ही थे, जितने भी प्लेयर देखो पूरी टीम में फील्डिंग करते हुए, तो वो सब एक नई चीज़ है। और WCC2 हमेशा लीडिंग करती आई है। अगर क्रिकेट में 3D क्रिकेट की बात करूँ तो पहले WCC2 ही आई थी, बाद में रियल क्रिकेट ने एक और 3D में कुछ उमेरा मतलब ऐड किया, एक नयापन लाया 3D क्रिकेट में। उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट बैटल ने तो तबाही मचा दिया, डायरेक्ट लॉन्च किया, तकरीबन 100-200 MB का ही गेम डायरेक्ट लॉन्च किया। अब रियल क्रिकेट के अपडेट के बारे में बात करते हैं, रियल क्रिकेट 18 जो है वो वैसे हर साल निकालती है, तो हो सकता है कि अगले साल उनको नया गेम निकालना पड़े, क्योंकि अगर सिंपल लॉजिक है कि 50 MB का आप गेम निकालते हो, रियल क्रिकेट 17, 16, 15 आपने सभी देखे होंगे, 15 वर्ल्ड कप वाला, 16 T20 वाला और टेस्ट क्रिकेट रियल क्रिकेट, वो सभी गेम्स छोटे छोटे थे, तो आप हर साल निकाल सकते हो, हर साल आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब 18 निकाला है वो एक बड़ा गेम है, उसमें बजट लगता है, उसमें खर्चा लगता है, उस गेम में 200 MB का गेम है तो आप हर साल नहीं निकाल सकते, 200 MB ऐसे ही वेस्ट जाएंगे। हम 2 साल में एक बार निकालिए, 3 साल में निकालिए, लेकिन लाइक WCC तो हो सकता है अगले 2019 में शायद गेम आए उनकी एक फॉर्मूला की तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो मुश्किल है आना। तो इसमें जो है इसमें काफ़ी तरह दूसरी लीग इस्तेमाल की गई है, लाइक ऑस्ट्री T20 बिग बैश, पाकिस्तान प्रीमियर, बांग्लादेश सुपर, इंग्लैंड और RCPL, जो हमारे IPL का नाम उन्होंने रियल क्रिकेट प्रीमियर लीग रखा है वही है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ऐलान किया है इस गेम ने, एनिमेशन तो बड़ा ही है, वन टॉस बैट फर्स्ट, कुछ एनिमेशंस, कुछ बॉलिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉलिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ शॉट्स, और इनका एक अपना एक फंडा अलग है, इनका एक जो RCPL का ऑक्शन है ना वो एक अलग तरीके से चलता है, मतलब गेम्स में भी ऑक्शन, मतलब IPL में अगर आप अपनी खुद की टीम बनाना चाहते हो कि आप देखते हैं लाइव ऑक्शन, तो लगता है कि मैं होता तो इसे नहीं खरीदता, इसे खरीदता, उसे नहीं खरीदता, तो आप अपना खुद इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, और खुद ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्शन, आप खुद गेम भी खेल सकते हो उस टीम के साथ, तो मुझे लगता है वो बेहतर है। और DRS भी लिया है और थर्ड अंपायर का रिव्यू भी, और कैमरा इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मतलब रियल क्रिकेट जब आया 18 तब उन्होंने कुछ ऐसे ग्राफिक्स लेकर आया जो टॉन ब्रेडमैन और कह सकते हैं एशेज क्रिकेट जो PC की गेम है उस प्रकार का, जैसे ये हेलमेट दिखा रहा है, वैसे ये हेलमेट में कुछ हद तक उन्होंने इन्वेस्ट किया था कि हेलमेट में क्रिकेटर जब देखता है तो उसे कैसा लगता है प्लेयर, तो उसी प्रकार का कुछ दिखाने का प्रयास। तो आज का वीडियो बस यही तक का था, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस किस अपडेट, कौन कौन सी अपडेट आई है WCC2 रियल क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट बैटल, मुझे तो लगता है इन तीनों ने लीडिंग रोल किया है क्रिकेट की गेम्स में, जैसे जैसे एक एक कुछ नए फीचर्स लाएंगे मुझे लगता है हर महीने अपडेट आने वाली अब तो। और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस चैनल में, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।